19 मई को सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी 3500 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की नियुक्ति पत्र देंगे। बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का कि जिस सरकार इस नियोजन के खिलाफ लगातार काम कर रही थी उसकी नियुक्ति देकर के वाहवाही लूटने का काम राज्य की सरकार कर रही है। मैं केवल जानकारी देना चाहता हूं कि ये विज्ञापन 2016 में उस वक्त निकली थी जब हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, और उसमें तय हुआ था कि 17,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। 2017 में उसकी परीक्षाएं हुई और परीक्षा होने के बाद कुछ लोगों ने इस विषय को लेकर के हाईकोर्ट जाने का काम किया। हेमंत सोरेन की सरकार उस वक्त आ गई थी 2019 में, और 2019 में जब इनकी सरकार आई तो इनके वकील, सरकारी वकील, एफिडेविट डाल करके इस नियुक्ति के प्रक्रिया में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को रोकने का वो काम कर रहे थे। और उसके बाद मामला हाईकोर्ट में स्टे हुआ, उसके बाद छात्रों के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हम सब लोग जानते हैं कि पूरे छात्र समाज जो नौजवान थे, बेरोजगार थे, जो परीक्षार्थी थे, वो सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य के सरकार के महंगे वकील इस पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया में विरोध करने का काम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से छात्रों को न्याय मिला, और जिसके फलस्वरूप राज्य की सरकार को विवश होकर के नौकरी देने के लिए मजबूर होना पड़ा। नियुक्ति हो रही है तो श्रेय लेने का काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। अब इसमें से ऐसे कई प्रश्न आम जनता के बीच में है, और वो प्रश्न है कि ये सरकार किस नियोजन नीति के तहत इन बच्चों की नौकरी दे रही है। रघुवर दास की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय की नियोजन नीति, या यह सरकार कोई न्यायी नई नियोजन नीति बनाई 1932 के आधार पर क्या? तो इनको कल मंच से स्पष्ट करना होगा कि रघुवर दास की सरकार की नियोजन नीति के तहत हमें नौकरी ले दे रहे, या फिर कोई नई नियोजन नीति के माध्यम से ले रहे। तो कल इनको झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के सामने किस नियोजन नीति के तहत इन लोगों को नौकरी दी जा रही है इनको स्पष्ट करना। दूसरा इसी से प्रश्न निकलता है कि राज्य सरकार के वकील जो थे, बड़े महंगे वकील थे, करोड़ों रुपए खर्च राज्य की सरकार ने किया, और छात्रों के भी पैसे, जो घर की गाड़ी कमाई उनके अभिभावक की तो उनकी लगी, तो इन जो नुकसान हुआ आर्थिक सरकार का, मतलब जनता का और छात्रों का, उसके लिए कौन दोषी है? सबसे बड़े महंगे वकील को उन्होंने रखने का काम किया, भारत के सबसे महंगे वकील उनको रखने का काम किया। और तीसरा इसी से विषय निकलता है, इन नौजवानों को, इन बेरोजगारों को 3.5-4 साल तक उनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ क्यों किया?
ऐसे कई प्रश्न है और मैं कहता हूँ बार बार कि पिछली सरकार ने बेहतर काम किया था उसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने की नौजवानों को नौकरी देने के सवाल पर। हम तो बार बार कहते हैं माल महाराज का मिर्जा केले होली, पिछली सरकार का जितने किए हुए काम हैं उसी को श्रेय लेने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए पंचायत सचिव के मामले में भी हाई कोर्ट में उनके पक्ष में फैसले आए हैं।